हेलो मित्रों, नमो नमः। मैं डॉक्टर सूर्यभान मिश्रा, संस्कृत विशेषज्ञ, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप इससे पूर्व के पाठ्यक्रम को आपने देखा है, आपने नौवें श्लोक तक का अध्ययन कर चुके हैं। हम लोग नौवें श्लोक तक का अध्ययन कर चुके हैं कुमार संभव महाकाव्य प्रथम सर्ग का। आज हम दसवें, ग्यारहवें और बारहवें श्लोक की व्याख्या देखेंगे। उसमें सबसे पहले जो दसवां श्लोक है, यह उपजाति छंद में लिखा हुआ महाकवि कालिदास जी का है। इसको हम पहले सस्वर वाचन करते हैं। बने चराणाम बनिता सखानाम दरी गृहोत संनिसक्त भाषः। बने चराणाम बनिता सखानाम दरी गृहोत संनिसक्त भाषः। भवन्ति यत्रौ शधयो रजन्या, भवन्ति यत्रौ शधयो रजन्या, अतैलपुरा हशुरत प्रदीपा, अतुल अतैलपुरा हशुरत प्रदीपाः। यहाँ पे हम अन्वय में देखेंगे, यत्र दूसरे लाइन में, यत्र जहाँ, जिस हिमालय पर्वत पर, रजन्याम रात्रि में, जिस हिमालय पर्वत पर रजन्याम रात्रि में क्या होती है, दरी गृहोत संग निसक्त भाषः। दरी, दरी का अर्थ गुफा होगा, गृह गुफा ही जिनका घर है। दरी गृहो, गृह को अलग कर लेंगे, वहां से उत्संगः निसक्त भाषः। उत्संगः जो भीतर अंदर उस गुफा में, उस गुफा के गुफा घर रूपी गृह में, घर में अंदर उत्संग करके, निसक्त संक्रांत होकर के क्या करते हैं, भासः प्रकाशित होते हैं। कौन प्रकाशित होते हैं, औषधयः। उस हिमालय पर्वत पर ऐसी औषधियां हैं, जो औषधियां क्या होती हैं, रजन्याम रात्रि काल में प्रदीप्त होती हैं, भासित होती हैं, प्रकाशवान होती हैं, जलती हैं। ऐसी औषधियां उस हिमालय पर्वत पर है, और जिसका उपयोग कौन करता है, बनिता सखानाम बने चराणाम। बनिता सखानाम, बनिता माने स्त्री, जो अपने स्त्रियों के साथ, कौन, बने चराणाम जो बनेचर हैं, जो बनेचर वहां हिमालय पर्वत पर निवास कर रहे हैं, वह अपने रात्रि काल में एक ऐसे औषधियों का प्रयोग करते हैं जो हिमालय पर्वत पर पाया जाता है, और वह रात्रि में क्या करता है, प्रदीप्त होता है। वह औषधियां रात्रि में प्रदीप्त होती है। वह औषधि कैसा है, अतैल पूराह, अतैल बिना तेल वाला, अतैल पूराह शुरत प्रदीपाह। जब वह रतिकिरणा में, प्रेम प्रणय के प्रसंग में, जब वह रात्रि में अपने घरों में, अपने गुफाओं में, गुफा रूपी घर में जब वह निवास करते हैं, तो वहां पे वह जो औषधियां हैं, वह उन्हें प्रकाश का कार्य करवाते हैं, उन्हें प्रकाश देते हैं। ऐसी औषधियां केवल हिमालय पे पाई जा सकती हैं, बाकी स्थानों पर ऐसी कोई औषधियां नहीं है जो रात्रि में क्या हो, जलती हुई हो। तो अतैल पुराह सुरत प्रदीपाह भवन्ति, भवन्ति माने होते हैं, क्या, सुरत प्रदीपाह। जब वह रतिकिरणा में होते हैं, जब वह प्रेम प्रसंग में होते हैं, उस समय उन्हें रात्रि काल में अपने घर में उन्हें क्या प्रदान करती हैं, प्रकाश प्रदान करती हैं। यह विशेषता है हिमालय की, कि हिमालय पर ही ऐसी औषधियां प्राप्त होती हैं। अब हम श्लोक संख्या 11 को देखेंगे। उद्वेजयति अंगुलिपार्श्विभागान मार्गे शिलीभूतिमे पियत्र न दुर्वह श्रोणिपयोधरार्ता भिन्दन्ति मद्दाम गतिवश्वमुख्यः, भिन्दन्ति मन्दाम गतिवश्वमुख्यम् मुख्यः। यहाँ पे हम
यत्र, यहां आपको दिखेगा यत्र, जिस हिमालय पर्वत पर, जहां क्या है शिलीभूत हिमे मार्गे, शिलीभूत वहां का जो मार्ग है वह क्या हो गया, क्योंकि हिमालय पर्वत पे बर्फ पड़ता है और बर्फ जब गिरता है तो वह जम जाता है और जमने के बाद कैसा हो जाता है, शिली बन जाता है, पत्थर बन जाता है। वहां के मार्ग जो है वह कैसे बन जाते हैं, शिलीभूत हिमे, हिम बर्फ के गिरने के कारण वहां पे पत्थर वाले रास्ते बन जाते हैं। लेकिन कैसे पत्थर वाले रास्ते हैं, बर्फ से युक्त हैं ऐसे मार्ग। यत्र शिलीभूत हिमे मार्गे, कर्ता क्या है, अंगुली पार्श्णि भागान उद्वेजयति हैं, अंगुली पार्श्णि भागान, फिर अन्वय में जब आएंगे तो अंगुली पार्श्णि भागान यानी उंगुलियों को और पार्श भाग को यानी पीछे वाले भाग को, यानी हमारे पैर की जो उंगलियां हैं और जो एड़ी हैं वह दोनों जब हम उस पे चलते हैं तो क्या करती है, उद्वेजयति, कष्ट करती है, दुख देती है, वह कठिनाई से उस पर चलने योग्य होती है। और उस पे चलता कौन है, दुर्वह श्रोणी पयोधरारता, दुर्वह बड़े कठिनाई के साथ जो वहन किया जा सके, दुर्वह जो बड़े कष्ट के साथ ढोया जा सके, दुर्वह यानी ढोने युक्त श्रोणी पयोधरारता, उनके जो शरीर है उस अश्वमुख्य शब्द को जब हम ले लेंगे तो इसका व्याख्या करने में आसान हो जाएगा, अश्वमुख्य, अश्वमुख्य अश्वमुखी, उस पर्वत राज हिमालय पे अश्वमुखी किन्नर हैं। अश्वमुखी हम कहने का तात्पर्य यह लगा सकते हैं कि किसी का, कोई कोई ऐसे देवयोनि थे जिनका मुख अश्व का होता था और उनका शरीर मानव का होता था, कुछ ऐसे होते थे जिनका शरीर मानव का होता, अश्व का होता था और उनका मुख जो होता था वह मनुष्य का होता था। तो ऐसे देव योनि थे उस हिमालय पर्वत पे, इसलिए अश्व मुख्य शब्द दिया हुआ है, अश्व मुख्य। दुर्वह श्रोणी पयोधरारता, उनकी जो स्त्रियां हैं, उन अश्व मुख्यों की जो वनिताएं हैं, जो उनकी स्त्रियां हैं वह कैसी हैं, श्रोणी पयोधरारता, उनका जो शरीर है वह बड़ा भारी है और भारी शरीर को चलने में दिक्कत होती है, और वो भी शिलीभूत हिमे अपि यत्र, जहाँ शिलीभूत हो, जहाँ की रास्ते पत्थर हों और वो भी बर्फ के पत्थर हों, उस पे चलना और उद्वेजयति करता है, दुख देता है, कष्ट देता है, ऐसे में वह क्या नहीं करती हैं, न मंदाम गतिम भिन्दन्ति, वह अपने मंद गति का कभी त्याग नहीं कर पाती। वह उनकी जो स्त्रियां हैं वह कैसे चलती हैं, धीरे धीरे चलती हैं। किनकी स्त्रियां धीरे धीरे चलती हैं, अश्वमुख्य जो किन्नरा नाम है, जो किन्नर हैं उनकी स्त्रियां उस हिमालय पर्वत पे धीरे धीरे चलती हैं। उसका कारण क्या है, वह है शिलीभूत हिमे अपि यत्र, जिस हिमालय पर्वत की जो शिलाएं हैं वह कैसी हो गई हैं, पत्थर हो गई हैं, और वह मार्ग पे चलना उनके लिए क्या होता है, अंगुली पार्श्विण भागान उद्वेजयति, न दुर्वह श्रोणी पयोधरारताः भिन्दन्ति मान्दाम गतिम अश्वमुख्या। ठीक है, फिर अगला श्लोक हमारा है 12 नंबर का। इसमें महाकवि कालिदास ने नीचे वाली जो पंक्ति है यह हमारी शुक्ति है, नीचे वाली पंक्ति क्या है, शुक्ति है, तो इसको हम बहुत विशेष ध्यान में रखेंगे क्योंकि सुक्तियां परीक्षाओं में पूछती हैं, तो सुक्तियों को आप ध्यान देंगे। तीसरे श्लोक में सुक्ति था एको ही दोषो गुण सन्निपात निमज्जतिंदे किरणे शिवांक, और फिर आपका दूसरा सुक्त कुमार संभव महाकाव्य का यह मिल गया, क्षुद्रे अपि नूनम शरणम प्रपन्ने ममत्वम उच्चैः शिरसां सतीव। इसको हम पहले लयबद्ध तरीके से हम पदपाठ करके इसको पढ़ लेंगे, और संस्कृत में पढ़ना बहुत मस्ट है, बहुत जरूरी है, यदि आपको स्फुट आपका उच्चारण नहीं होगा तो फिर यह भाषा आपके लिए कठिन होता जाएगा। दिवाकराद्र क्षतियो गुहाशु लीनम दिवाभीतम इव अंधकारम क्षुद्रे अपि नूनम शरणम प्रपन्ने ममत्वम उच्चैः शिरसां सतीव, ममत्वम उच्चैः शिरसां सतीव। सबसे पहले हम
यहां देखेंगे यो, यह कर लेंगे, यो है, यह कर लेंगे, जो या जिस हिमालय पर्वत पर दिवाभितम इव लीनम गुहाशु, अन्वय जब होगा तो दिवाभितम, दिवा दिवाभितम यानी दिन में भयभीत हो जो, उसे कहेंगे दिवाभितम। दिन में भयभीत कौन होता है? उल्लू। दिन में मनुष्य नहीं कभी डरता है, दिन में उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो क्या होता है? भयभीत होता है, और ढूंढता क्या है वह? अंधकार ढूंढता है। अंधकार में उसे दिखाई बड़े अच्छे तरह से देखता है, देता है, और दिन में उसे दिखाई कुछ भी नहीं देता है। तो दिवाभितम ईव, दिन में डरे हुए उलूक के समान, ईव मने जैसे, गुहासुलीनम, गुहासु मने गुफा, लीनम मने लीन हो जाता है, गुफाओं में वह अंधकार क्या हो जाता है? लीन हो जाता है। और उनकी सुरक्षा कौन करता है? किससे? सूर्य से। दिवा कराति रक्षति, दिवा कर, दिवाकर शब्द को देखेंगे, दिवा करोति इति दिवाकरः, जो दिन करता है वही क्या है? दिवाकर, सूर्य का पर्यायवाचक है। तो दिवा कराति रक्षति, सूर्य से जिसकी रक्षा करता है, उस हिमालय पर्वत की यह विशेषता बताई गई है कि उसका हृदय कितना विशाल है कि वह सबको तो सहायता देता ही देता है, वह अंधकार को भी सहायता देता है। दिन में जब सूर्य देवता उदित होते हैं तो पूरे पृथ्वी पे कहीं अंधकार नहीं होता है, लेकिन एक स्थान ऐसा होता है जहां अंधकार होता है, और वह स्थान है हिमालय की कंदराएं, हिमालय की गुफाएं। तो वह अंधकार को भी क्या करता है? स्थान देता है, ऐसा विशाल हृदय उस हिमालय पर्वत का है। तो यह दिवाभितम ईव अंधकारम गुहाशुलीनम दिवाकराम रक्षति, दिवाकर से क्या करती है? सूर्य से क्या करती है? अंधकार की रक्षा करती है। अब नीचे वाले सूक्त से यह परिपुष्ट करेंगे कि कैसे रक्षा करती है, वह बताए हैं, क्षुद्रे अपि नूनम शरणम प्रपन्ने ममत्तम उच्चैः शिरसाम सतीव। हम यह देख लेंगे अन्वय में, उच्चैः शिरसाम, इसको पकड़े रहिएगा, उच्चैः शिरसाम, उच्चैः मने ऊंचा, शिरसाम मने सिर है। तो सिर ऊंचा का मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा सिर वाला है तो वह हो गया, नहीं, कर्मों से जो ऊंचा कर्म करता है वह उसका मस्तक ऊंचा होगा, न कि शरीर मात्र से ऊंचा हो जाना। तो उच्चैः शिरसाम क्षुद्रे अपि, जो क्षुद्र व्यक्ति हैं उसका भी वह क्या करता है? सतीव, सत ईव, सज्जनों की तरह, सत ईव, सतीव सज्जन की तरह, उस पे भी उसका क्या होता है? नूनम, निश्चय ही अपने शरण में आए हुए, शरणम प्रपन्ने, अपने शरण में आए हुए क्षुद्र व्यक्ति का भी, जो उच्चैः शिरसाम है, जो सतजन व्यक्ति हैं, वह चाहे सज्जन आवे चाहे दुष्ट आवे, दोनों की क्या करते हैं? नूनम ममत्वम, उसके ऊपर उनका क्या होता है? ममत्व एक समान होता है। जैसे आज लोक में देखा जाए तो यदि हम अपने गांव में जाते हैं और देखते हैं कि कोई बड़ा आदमी आ गया तो उसे बैठने के लिए हम सोफा वाला चेयर देते हैं, किसी को बैठने के लिए प्लास्टिक का चेयर देते हैं, और कोई बहुत गरीब है तो उसे हम बैठने के लिए कुछ भी नहीं देते हैं, वह खड़ा ही रहता है। लेकिन उस हिमालय राज पर्वत की विशेषता के द्वारा यह संदेश कालिदास ने दिया कि जो सतजन पुरुष होगा, जो उच्चैः शिरसाम होगा, वह सतीव पे भी उसी प्रकार का ममत्व करेगा जैसा क्षुद्रे अपि, जैसे क्षुद्र व्यक्ति पर करता है वैसे ही सतईव व्यक्ति पे भी करेगा। उसी प्रकार से कैसे? जैसे पर्वतराज हिमालय ने अंधकार की रक्षा की, पर्वतराज हिमालय ने क्या की? अंधकार की रक्षा की, जबकि अंधकार की रक्षा कोई नहीं करता है। कौन चाहता है कि हम अंधकार में रहें? सब लोग चाहते हैं कि हम प्रकाश में रहें, चाहे वह रात्रि हो चाहे दिन हो, हर समय हम प्रकाश चाहते हैं, चाहे वह हृदय में हो, चाहे आत्मा में हो, चाहे मन में हो, सर्वेषु स्थानेषु, सभी स्थानों पर हम यह चाहते हैं कि हमें प्रकाश मिले। इस कारण हमें यह सीख मिलता है कि हमें चाहे वह क्षुद्र व्यक्ति हो चाहे वह उच्च व्यक्ति हो, लेकिन यदि हमारा मन
ऊंचा है, यदि हमारा उच्चैः शिरसाम है, यदि हम सत्जन व्यक्ति हैं तो दोनों पर हमारा प्रेम एक समान होगा। चाहे वह कोई गरीब व्यक्ति हो, चाहे कोई धनी व्यक्ति हो, दोनों को हम समान रूप से जो देखता है वही योगी है और वही हिमालय है, हिमः आलयः है। इसी के साथ मैं आज अपने वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।